जैसे कि आप जानते ही हो, फेसबुक ने 5.7 बिलियन डॉलर यानी कि 9.9% का स्टेक खरीदा है रिलायंस जियो में, जो काफी हद तक बहुत अच्छी डील है और बहुत बड़ी डील है। तो इसमें किसका फायदा होगा, फेसबुक का फायदा कितना होगा और इसमें रिलायंस का कितना फायदा होगा, ये जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलते शुरू करते हैं, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन। रिलायंस इंडस्ट्री का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये कह रहा है कि फेसबुक 43,575 करोड़ रुपीज़ दे के, इंडियन रुपीज़ देकर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में, और जिससे 9.9% का जो शेयर या स्टेक खरीद पाएगा जो फेसबुक, वो माइनर स्टेक होल्डर्स में गिना जाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 1-2 साल या 3 साल के लिए की शेयर खरीदे बेचे और रफा हो गए। तो ये ऐसी डील नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डील है। और इस डील में एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट या बाइंडिंग एग्रीमेंट भी किया गया है इन दोनों कंपनीज के द्वारा। और ये जो FDI की है फेसबुक द्वारा, ये सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में की है, रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर में की गई है। और ये जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, टेलीकॉम सेक्टर में आज तक की सबसे बड़ी डील है, जो कि आज तक इससे पहले इतनी बड़ी डील कभी नहीं हुई है। रिलायंस जियो का जो भी प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, उसकी वैल्यू है 4,62,000 करोड़ रुपीज़, तो जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। और यही देखेंगे तो जो रिलायंस जियो जब स्टार्ट हुआ था वो 2007 में हुआ, वो 2007 में बनाया गया, फिर वो काफ़ी चला नहीं, उसमें दिक्कतें आई बहुत सारी, तो एक तरीके से वो कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था। 2014-15 के बाद रिलायंस जियो ने मेजर इन्वेस्टमेंट करके, कंपनियों को एक्वायर करके, गवर्नमेंट से लोन लेके इसमें बहुत सारे तब्दीली लाई और इसको बहुत आगे बढ़ाया। वहीं 2010 से लेके 2014 तक इसमें लगभग लगभग 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया था और इस रिलायंस जियो इकोसिस्टम को बनाया। फिर यही आप सोच रहे होंगे, ये रिलायंस जियो इकोसिस्टम या रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म क्या है? तो रिलायंस जियो इकोसिस्टम जो है, ये अब हम लोगों को, कुछ लोगों को यही पता है रिलायंस जियो सिम है और ये नेटवर्क देता है और टेलीकॉम सर्विसेज में, लेकिन रिलायंस जियो इन्हीं तक सीमित नहीं रह चुका है, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रॉडबैंड इंटरनेट में है ये, इंटरनेट थिंग्स का में भी उपलब्ध है, और स्मार्ट डिवाइसेस में, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जियो घुस चुका है, एज कंप्यूटिंग में भी है, बिग डेटा में भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी है, ऑगमेंटेड एंड मिक्स रियलिटी में भी है, और ब्लॉकचेन में भी अभी जियो मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है और बिजनेस स्टार्ट कर चुका है। तो फेसबुक जो ये इन्वेस्ट कर रहा है वो सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में ही कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है, रिलायंस जियो और फेसबुक का जो डील हो रहा है इसमें रिलायंस जियो का फायदा क्या है? तो ये फायदा है कि पिछले 10 साल में जो 4 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ था रिलायंस जियो में, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकारी बैंकों से जो लोन लिया था, फिर इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये डील बहुत ज़रूरी है और ये डील करनी भी चाहिए। तो अभी आप देखोगे तो आज की डेट में जो डेप्थ है रिलायंस जियो के ऊपर वो 1.53 लाख करोड़ का है, तो ये डेप्थ को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए ये डील बहुत महत्वपूर्ण है रिलायंस जियो के लिए, जो कि फेसबुक के साथ अभी हो रही है। और वहीं 12 अगस्त 2019 में जो 42nd एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, जिसमें मुकेश अंबानी जी ये कह रहे थे कि जो हमारी कंपनी है 31 मार्च 2021 तक ये पूरी कर्ज मुफ्त कंपनी होनी चाहिए। तो क्या पता उसे कंप्लीट करने के लिए, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए ये डील साइन की गई होगी मुकेश अंबानी द्वारा या रिलायंस जियो द्वारा, ताकि ये जो कंपनी हो जीरो डेप्ट कंपनी बन जाए। और ऐसे ऐसी बहुत सारी डील्स ये रिलायंस जियो बहुत सारी कंपनियों के साथ कर रहे हैं, और हो सकता है 2021 में जो ये जीरो डेप्ट कंपनी का इनका जो फैसला है या जो इनका सपना है वो पूरा हो सके। वही आगे आने वाले सालों में भी जो रिलायंस रिटेल है उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है रिलायंस, और वहीं अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को टक्कर देने के लिए। तो वहीं फेसबुक के साथ जो डील हुई है, तो ये रिलायंस रिटेल जो जियो मार्केट के नाम से आप जानते हो, उसमें
वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म का भी यूज कर रहे हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जा रहे हैं। और काफी जगह पर उन्होंने जनरल स्टोर्स भी बनाए हुए हैं, जियो मार्केट के बहुत सारे स्टोर भी बना चुके हैं। रिलायंस टेल को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो हर एक आदमी के पास हो और हर कोई उसे कंटिन्यूसली यूज करता हो, वो है व्हाट्सएप। तो वही व्हाट्सएप कहीं ना कहीं इन फ्यूचर रिलायंस टेल की एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है और बहुत आगे बढ़ा सकता है और कहीं ना कहीं अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को टक्कर भी दे सकता है। वहीं फेसबुक का क्या बेनिफिट होगा रिलायंस जियो में आगे? जैसे कि आप जानते हो, फेसबुक के 270 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में और वहीं व्हाट्सएप के 400 मिलियन यूजर्स हैं और इंस्टाग्राम के 80 मिलियन यूजर्स हैं इंडिया में। तो वहीं देखोगे तो रिलायंस जियो जो यूज़र है, जो सिम यूज़र्स है, टेलीकॉम यूज़र्स है, वो भी 400 मिलियन यूज़र्स है इंडिया में। तो वहीं जो रिलायंस जियो है वो जब इसके साथ डील कर लेगा, फेसबुक के साथ जब वो डील कंप्लीट हो जाएगी, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो वहीं ना वहीं वहीं उसे डायरेक्ट 400 मिलियन जो यूज़र्स है रिलायंस जियो के, उनके साथ संबंध मिल जाएगा। तो वो फेसबुक कोई ना कोई एप्लीकेशन, बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन, अच्छी से अच्छी एप्लीकेशन को एडवर्टाइज कर सकता है इन 400 मिलियन लोगों के सामने। तो वहीं एक टिकटॉक तो आप जानते हैं, जिसके यूज़र बहुत है भारत में और बहुत ज़्यादा तादाद में उसके यूज़र बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं टिकटॉक को टक्कर देने के लिए फेसबुक एक ऐप ला रहा है, लासो। जो लासो ऐप जो है वो भारत में आएगी, तो अगर लाइंस के साथ ये डील कंप्लीट हो गई तो 400 मिलियन यूजर्स जो है लाइंस के, वो सीधा इस कांटेक्ट में आएंगे लासो के। तो लासो अगर वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई तो टिकटॉक जैसी चाइनीज ऐप जो है उसको हम लात मार सकते। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अच्छे बुरे कमेंट्स भी कर सकते हो, सजेशंस भी दे सकते हो, क्वेरीज या क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।